हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है वरना आपसे फास्ट अनलाइक वाले निकल जाते हैं। तो फटाफट लाइक करें। आज हम आपको वाली ड्रेस बनाना बताएंगे जो कि बहुत बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी बनती है। अगर आपको सिर्फ क्रोशिया चलाना आता है ना तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत सरल डिज़ाइन है। तो फर्स्ट पार्ट में हम रेड वाली ड्रेस है उसको बनाना बता चुके हैं। आज हम आपको इसकी ऊपर की जैकेट बनाना बताएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी छोटा साइज और बड़ा साइज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में सारे साइज बता रखे हैं, तो फर्स्ट पार्ट जाके देखें, उसमें साइज आपको पता चल जाएगा कैसे हमें छोटा और बड़ा बनाना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, ये वाला वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट में वाला वीडियो डाला है। इस वीडियो के लास्ट में वाला वीडियो मिल जाएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं, वहाँ से देख लें आप लोग या फिर चैनल ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ड्रेस बनेगी, इसके ऊपर ये जैकेट आ जाएगी, तो बहुत ही गर्म रहेगा ये बच्चों के लिए और देखने में लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो 5 साल तक के बच्चे के आराम से आने वाला है। हाइट आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, 5 साल का बच्चा होता है बट हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बट हमने अब फिटिंग आपको आराम से 5 साल तक के बच्चे के आने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन लगाया है बट आप सिर्फ 3 बटन भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बटन नहीं लगाएं, एक लगाएं या फिर 3 लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएं, तभी ये लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आएगी, नीचे फ्रॉक की तरह आएगा, ऊपर से जैकेट आएगी, तो बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फटाफट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 60 चेन बना रखी हैं। ठीक है, अगर आपको इससे छोटा साइज या फिर बड़ा साइज बनाना है तो फर्स्ट पार्ट जाके देखें, उसमें हमने सारे साइज बता रखे हैं कैसे आपको साइज बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से 3 चेन हमने बना ली। अब देखिए, चौथी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं ना उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए, इसमें डालेंगे हम, पहले 2 फंदे निकालेंगे फिर ये 2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर देखिए, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें भी देखिए पहले 2 निकाले फिर ये 2 निकाले। तो जो दो दो करके फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। हम अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस तरीके से तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। जितनी भी चेन है हर चेन में डालकर एक एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाया है। और हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और 3 प्लाई की ऊन है हमारी, 3 प्लाई की ऊन है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रो कम्प्लीट करने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। तो फर्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना के अब हमने 2 चेन बना ली हैं। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए सेकंड वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह डाल के एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें हम एक बार बनाएंगे इस तरीके से, देखिए बैक, देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक में हम 2 बार बनाएंगे, देखिए 1 और 2। ठीक है, एक में एक बार बनाना है, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके पास वाली चेन में एक बार बनाएंगे हम, इसमें एक बार बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। फिर इसके पास वाली चेन में एक बार बनाएंगे, इसमें एक में हमें एक बार बनाना है, एक में 2 बार बनाना है। इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। कि सिंपल है, एक
चेन में हम एक बार बनाएंगे, एक चेन में दो बार बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, तो हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। लास्ट की एक चेन बची है, इसमें हम एक बार बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो रो कंप्लीट कर ली हैं, और हम आपको दिखा दें तो इस तरीके से रख कर आएगा। देखिए गला ऐसे बनेगा, गोल गला आ जाएगा। अब हमारी तीसरी रो स्टार्ट होगी, तो देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो फंदे एक साथ निकालते हैं, उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। अब दो चेन बना के देखिए, दो चेन बना के अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में इसमें डालेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे, और एक डबल क्रोशिया बनाया। एक चेन लेके सॉरी दो चेन लेके वापस इसी जगह डाल के एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब जो हमने सादा एक डबल क्रोशिया बनाई थी, इसको इस तरीके से डालेंगे। अभी हमारा सीधा साइड है ना, राइट साइड से हम इस तरीके से डालेंगे एक फंदे को। और जिसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें देखिए हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर वापस एक बार और बनाएंगे। जो एक सादा हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे। सीधा साइड है तो सीधी साइड में हम इस तरीके से बनाएंगे, और फिर से इसके अंदर एक डबल क्रोशिया, दो चेन लेंगे, एक और दो, वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। फिर देखिए जो एक डबल क्रोशिया सादा बनाई थी हमने, उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। इसके अंदर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन, एक दो, वापस इसी जगह डाल के एक बार और बनाएंगे। फिर इसके पास में देखिए एक डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, क्रोशिया को इस तरीके से डालकर और डबल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी रो को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, तीन रो हमारी बन गई हैं। चौथी रो में देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको घुमाएंगे, और फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन लेंगे हम, एक और दो। अब देखिए जिसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, इसके अंदर डालकर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर वापस इसी जगह डालकर एक बार और बनाएंगे, ठीक है। अब जो हमने सादा एक डबल क्रोशिया बनाई थी अभी, तो अभी हमारा रॉन्ग साइड है, तो हम पीछे के साइड से डालेंगे। देखिए सीधे साइड में हम आगे की तरफ से डालेंगे, और उल्टी साइड में हम पीछे की तरफ से इस तरीके से डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसमें हमने जो दो डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें पहले एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर एक बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से देखिए ये वाला जो फंदा है हमारा, तो इसको हम पीछे के साइड से बैक साइड से इस तरीके से बनाएंगे। इसमें डालेंगे पहले एक बनाएंगे, फिर दो चेन लेकर एक और दो, दो चेन लेके एक बार और बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है, पहले एक बनाना है, फिर दो चेन लेकर एक और दो, वापस इसी जगह डालकर एक बार और बनाना है। इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरी रो कंप्लीट कर ली है। हमारे पास एक दो तीन चार चार रो बन गई हैं। पांचवीं रो हमारी स्टार्ट हो गई है। पांचवीं रो में देखिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे भी हमने बनाया। टोटल छः रो हम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल छः रो बनाई, एक दो तीन चार पाँच छः रो हो गई हमारी स्टार्टिंग से। अगर हमने काउंट किया तो छः रो हो गई हमारी। अब देखिए सातवीं रो में हम क्या करेंगे। सातवीं रो में देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालकर पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर एक और दो, दो चेन लेकर अब जो देखिए इसमें डालकर हम एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह डालेंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, दो हो गई। फिर से दो चेन लेकर और फिर से इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, ठीक है।
अब फिर से देखिए इस वाले फंदे को इस तरीके से बनाएंगे हम। अब फिर इसके अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर फिर से बनाएंगे, देखिए दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और दो, फिर से दो चेन बनाएंगे, एक और दो, और वापस इसी जगह डाल के फिर से हम एक और दो, दो डबल क्रोशे बनाया। फिर से इस वाले फंदे को इस तरीके से बनाएंगे, तो फ्रंट साइड से फंदा हम आगे की साइड से बनाएंगे और बैक साइड में हम उल्टे साइड में हम उल्टे साइड से बनाएंगे, ठीक है। तो ये सातवीं रो है, इसको हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने सात रो कंप्लीट कर ली है, अब हमारी आठवीं रो आ गई है। इसको देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने दो चैन लेकर इसके अंदर डालकर दो डबल क्रोशे बनाना है, एक और दो, ठीक है। फिर दो चैन लेंगे हम, एक और दो, वापस इसी जगह डाल के फिर से दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और दो। अब देखिए ये वाला जो फंदा है उल्टा साइड है हमारा, तो हम इसको पीछे के साइड से बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले दो डबल क्रोशे बनाएंगे, दो चैन लेके फिर से दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से बनेगा। फिर से देखिए इस फंदे को पीछे के साइड से बनाएंगे, इसके अंदर पहले दो डबल क्रोशिया, दो चैन लेके वापस इसके अंदर दो बार बनाएंगे, ठीक है। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे फिर आगे। तो अभी हमारे पास दो बार बनी है डिज़ाइन, हम टोटल चार बार और बनाएंगे, तो टोटल हमारे पास छः बार हो जाएगा ये वाली डिज़ाइन। फिर देखिए हमने एक दो तीन चार, चार डिज़ाइन छोड़ के यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई है और चार डिज़ाइन इधर छोड़कर हमने सेफ्टी पिन लगाई है, ठीक है। एक दो तीन, तीन हमने बाजू पर छोड़ी है डिज़ाइन और तीन दूसरी साइड हमने छोड़ी है, ठीक है। इस तरीके से हमने सेफ्टी पिन लगा ली। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल हमने बारह बार ये डिज़ाइन बनाई है। यहाँ से काउंट की जाए तो हमने टोटल बारह बार ये डिज़ाइन बना ली है। इतना बन गया हमारा। अब हम मुड्ढे ज्वाइन करना आपको बताएंगे, मुड्ढे कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए हम आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह बार हमने ये डिज़ाइन बनाई है। अब हमने चार डिज़ाइन छोड़कर यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई है और यहाँ पर एक दो तीन, तीन डिज़ाइन इधर से छोड़ी है, तीन डिज़ाइन हमने बैक साइड से छोड़ी है। टोटल हमारे पास बाजू पर छः बार हो जाएगी ये डिज़ाइन। अब हम आपको मुड्ढे ज्वाइन करना बताएंगे कैसे करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर घुमाएंगे, देखिए फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे हम, एक और दो, दो चेन लेकर अब देखिए आपको ये दो डबल क्रोशिया दिख रही ना, एक छोड़ के हम दूसरे वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक बन गई हमारी, दो इसके अंदर हम बनाएंगे, एक और दो, तो टोटल हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो गई हैं, ठीक है। अब फिर से हम दो चैन बना के दो इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए, और एक इसके ऊपर बना लेंगे, ठीक है। तो तीन डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी यहाँ पर। अब ये वाला फंदा है, इसको हम फ्रंट साइड से इस तरीके से बनाएंगे। अब फिर से देखिए दो डबल क्रोशिया हैं, दूसरे वाले पे डालकर पहले बनाएंगे, एक एक बन गया, दो इसके अंदर बनाएंगे, तो हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब दो चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर दो बनाएंगे और एक इसके ऊपर बनाएंगे, तो तीन डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगी। अब हमें एक एक
डबल क्रोशिया बढ़ाना है, हमने तीन तीन बनानी है, ठीक है। इस फंदे को इस तरीके से बनाएंगे। अब इसमें हम पहले तीन डबल क्रोशिया, तो एक इसमें बनाएंगे और दो इसके अंदर बनाएंगे, तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। दो चेन लेकर इसके अंदर दो डबल क्रोशिया और एक इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो तीन हमारी फिर से हो जाएंगी। अब फिर से इस फंदे को देखिए, हम इस फंदे को ऐसे बनाएंगे हम। तो हमने जो सेफ्टी पिन लगाई ना, यहाँ तक बना कर लाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो हमने देखिए एक दो तीन चार, चार बार ये डिज़ाइन बना ली। अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन खोलेंगे। इस साइड में ये वाला फंदा बनाएंगे। ठीक है, इस वाले फंदे को बनाएंगे। तो हमारे मोटे ज्वाइन हो गए। अब देखिए एक छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और दो इसके अंदर बनाएंगे। तीन हो गए। अब फिर से दो चेन लेकर दो डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, एक और दो, और एक हम बनाएंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो तीन डबल क्रोशिया हमारी हो जाएंगी। देखिए फिर से इस फंदे को हम फ्रंट साइड से बनाएंगे। अब फिर से इस वाली डिज़ाइन को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक बनाएंगे, दो इसके अंदर बनाएंगे, तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब दो चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक इसके ऊपर बना लिया, ठीक है। तो हमने जो दूसरी साइड में सेफ्टी पिन लगाई है, यहाँ तक लाएंगे और इसको भी सेम इसी तरीके से ज्वाइन करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो यहाँ तक हमारा बन गया है, सेफ्टी पिन खोलेंगे। और इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो हमारा मोटा ज्वाइन हो जाएगा यहाँ भी। सिंपल है, तीन तीन डबल क्रोशिया बनाना है, तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। दो चेन लेके देखिए इस गैप के अंदर हमें दो ही डबल क्रोशिया बनाना है और एक इसके ऊपर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, मोटे हमारे ज्वाइन हो गए हैं दोनों साइड से। पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस तरीके से हमारे मोटे ज्वाइन हो गए। एक बार हम आपको और दिखा दें, तो सबसे पहले तो हम इसको घुमाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, दो चेन लेकर। अब देखिए यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया आपको दिख रही हैं, तो हम एक दो छोड़ के तीसरे वाले में बनाएंगे। पहले यहाँ पर एक बनाएंगे और दो इसके अंदर बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो गई। अब दो चेन लेकर दो इसके अंदर बनाएंगे और एक इसके पास वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तीन डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास, देखिए। अब फिर से हम इस फंदे को बैक साइड से बनाएंगे। अब फिर से देखिए एक दो छोड़ के तीसरे वाले में पहले एक बनाएंगे हम और दो इसके अंदर बनाएंगे।
दो चैन लेकर दो इसके अंदर बनाएंगे। एक इसको ऊपर बना लिया, तीन हो गई। फिर से बैक साइड से हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारी तीन वाली रो चल रही है, तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन डबल क्रोशिया चल रही है। तो दो रो हम दूसरी रो पर हैं, पहली रो हमने बना ली है, दूसरी रो बना रहे हैं। हमें टोटल छः बारी वाली रो कम्प्लीट करनी है, छः के बाद ही हमें फंदा बढ़ाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो हमने रो चलाई थी उसको भी हमने छः के बाद बढ़ाया था, सेकंड वाले में भी। अब इसमें भी हम छः के बाद फंदा बढ़ाएंगे। तो अभी हमारी तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन डबल क्रोशिया चल रही है। छः रो कंप्लीट होने के बाद फिर हमारी चार डबल क्रोशिया, दो चैन और चार डबल क्रोशिया की रो चलेगी, ठीक है। तो उसको भी हम छः रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी पांच वाली आ जाएगी। तो जिस हिसाब से आपको लेंथ रखनी है स्वेटर की, तो उस हिसाब से आप छः के बाद फंदा बढ़ाते जाएं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो देखिए, जब हम चौथी वाली रो बनाएंगे तो जो तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं ना, इसी जगह पर जैसे हमने फंदा इधर बढ़ाया वैसे ही बढ़ाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर अभी हम आपको आगे दिखा देंगे। देखिए, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः रो हमने बना ली तीन तीन की, ठीक है। अब हम चौथी वाली रो आपको बताएंगे कैसे बनानी है। वो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको घुमाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाकर दो चेन लेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया आपको दिख रही हैं। अब हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो हम सेकंड वाले में डालेंगे, एक छोड़ कर यहाँ पर बनाएंगे। देखिए, एक छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक यहाँ पर, दो डबल क्रोशिया हो गई और दो इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दो इसके अंदर बना लेंगे। फिर से हम दो चैन बना के एक दो वापस इसी जगह डाल के पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो इसके ऊपर बनाएंगे, एक और दो, ठीक है। इसी तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है। जब हम पांच बनाएंगे तब भी हम ऐसे ही करेंगे, तीन डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और जो गैप बना रहे हैं उसके अंदर हमें सिर्फ दो ही बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाना है। अब ये वाला फंदा है, इसको बनाएंगे। फिर से तीन डबल क्रोशिया आ गए हैं, तो दो छोड़कर तीसरे वाले पर हम, सॉरी, एक छोड़कर दूसरे वाले पर बनाएंगे। इस पर एक यहाँ बनाएंगे, दो हो गई, दो इसके अंदर बनाएंगे। देखिए, टोटल चार डबल क्रोशिया होंगे। फिर से दो चैन बना के फिर से इसके अंदर दो बनाएंगे। और दो इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अभी वाला फंदा है, इसको हम इस तरीके से डालकर बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। टोटल हम छः रो इसकी बनाएंगे। तो इस पूरी रो को बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए, तो चार वाले की अभी हमारी पहली रो चल रही है, हम टोटल छः रो बनाएंगे। उसके बाद पांच फंदा कर देंगे, एक फंदा और बढ़ा देंगे। उसके बाद जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उसके अकॉर्डिंग छः छः रो के बाद ही फंदा बढ़ाएं। तो हम इतना बनाने के बाद फिर आपको बाजू बनाना बताएंगे, किनार बनाना बताएंगे कैसे बनानी है, ठीक है। तो इसको कम्प्लीट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। तो छः रो के बाद फिर हम आपको
एक रो 5 की बना के फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी इतनी लेंथ रखी, आप चाहें तो इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और भी लंबा कर सकते हैं, बट हमने इतनी इसकी लेंथ रखी है। और एक बाजू बना ली है, अब हम आपको दूसरी बाजू बनाना बताएंगे, प्लस आपको इसकी किनार बनाना बताएंगे, कैसे बनानी है, गले पट्टी बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बाजू बनाना बताएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊन को ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से उनको हमने ज्वाइन कर लिया और 3 चेन बना ली। इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगी। दो चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 और 2, ठीक है। अब ये फंदा जो आपको दिख रहा है इसको इस तरीके से बनाएंगे, फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेकर फिर से 2 बनाएंगे, इस वाले फंदे को बनाने के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया, दो चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस फंदे को फिर से ऐसे बनाएंगे, तो इस पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में हम आपको दिखाएंगे क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको बनाएंगे और देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे को बनाएंगे पहले डबल क्रोशिया से। अब देखिए यहाँ पर इतना गैप दिखेगा आपको, जब आप बनाएंगे तो आपके समझ आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसमें डालेंगे, इस जगह डालकर, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट 2 फंदे रहने देंगे क्रोशिया में। अब ठीक है, अब इस जगह डालेंगे, देखिए देखिए, अब हम इस वाली जगह डालेंगे, इसमें भी 2 फंदे हमने रहने दिए, इसमें डाल के सारे फंदे एक साथ हम बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा गैप नहीं आएगा, ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा गैप नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें डालकर इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद 3 चेन लेकर फिर से इसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया होगी, फिर से 2 चेन बना के फिर से इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। इस फंदे को फिर से ऐसे बनाएंगे, फिर से इसके अंदर डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, 1 2। अब फिर इस फंदे को इस तरीके से बनाएंगे हम, इस पूरी रो को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में थोड़ा ज़्यादा गैप दिखेगा, सेकंड रो में थोड़ा सा कम गैप दिखेगा, तो इसको भी हम फिर से ऐसे करेंगे। इस जगह डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है, अब इस जगह डालेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाला जो रो आ रही है,
इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अब जो हमने तीन चेन ली थी स्टार्टिंग में उसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो बाजू पर हमारी छह डिज़ाइन चल रही हैं, एक दो तीन और तीन पीछे के साइड है, तो टोटल छह डिज़ाइन चलेगी। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया ही बनाना है। यहाँ पर हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, वरना बाजू बहुत ढीली हो जाएगी आपकी। तो इसमें देखिए हमने टोटल जो देखिए तीन चार पाँच छः छः डिज़ाइन चल रही है, सेम ऐसे ही हम वहाँ पर छः डिज़ाइन चलाएंगे। और साइड में हमारे दो बार ये वाली रो चलेगी। देखिए ये फ्रंट साइड से जो हम बना रहे हैं ना, ये हमारे दो बार चलेगी, इस साइड में भी दो बार चलेगी। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। देखिए इसमें एक और दो, ये दो रो चलेंगी हमारी और डिज़ाइन छः बार चलेगी। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में जो थ्री चेन बनाई थी इसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। तरीके से ज्वाइन कर लिया, फिर से तीन चेन लेके हम स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से हमें बाजू बनाना है। यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया ही बनाना है, कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। तो इसको बनाते हुए हम टोटल हमने इसमें कितनी रो बनाई, देखिए एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह रो बनाई है। तो पंद्रह रो हम बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। अब आप चाहें तो ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, किनार नहीं बनाए तो क्या होगा, आप किसी भी ड्रेस के साथ जैकेट बना सकते हैं। बट हम इसमें रेड कलर की किनार बनाना भी आपको बताएंगे, और गला कैसे, गले पर भी पट्टी बनाना बताएंगे, और फ्रंट साइड में भी हम बटन पट्टी भी बनाना बताएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसमें हमने पूरी किनार बना ली है, लास्ट के दो डिज़ाइन हमने छोड़ दिए हैं आपको बताने के लिए कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जितनी भी चेन है हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो बीच में हमने दो चेन का गैप दिया है उसमें थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इस जगह डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके पास में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली चेन में भी एक बनाएंगे। देखिए सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अंदर हमें सिर्फ तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, जो गैप है ना उसके अंदर तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और बाकी जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में हम एक एक बार बनाएंगे। देखिए ये जो इस सब में एक एक बार बनाएंगे, इसमें तीन बार बनाना है सिर्फ। यहाँ पर भी एक बार सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर तीन बार बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ठीक है, यहाँ भी एक बार बनाएंगे, इसमें भी एक बार बनाएंगे। बनाते हुए यहाँ तक आ गए, फिर एक इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम तीन चेन बना के वापस इसी जगह डालकर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन लेके फिर से इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें बनाएंगे देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेकर वापस इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी है, बटन पट्टी पर हम किनार बना रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल क्रोशिया एक बनाना है, तीन चेन लेके वापस इसी जगह डाल के फिर से एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर हम आपको गला बताएंगे गला कैसे बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक ले आए हैं, गले पर देखिए क्या करेंगे अब। देखिए यहाँ पर हमें जितनी भी चेन है हर चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे ही बनाते हुए पूरा गला कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक हम पूरा बनाते हुए लेकर आएंगे और यहाँ तक लाकर फिर इसको ऐसे ही उतारेंगे जैसे अभी हमने बनाई थी, ये वाली जो रो बनाई थी सिंगल क्रोशिया, तीन चैन फिर सिंगल क्रोशिया, इसको ऐसे ही बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर हम आपको बाजू पर बताएंगे बाजू पर कैसे किनार बनानी है, ठीक है। तो बाजू पर भी एकदम सिंपल है, जैसे हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई थी सेम ऐसे ही बनानी है। जितनी भी चैन दिखेंगी हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर हम तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया, गैप जो दिखेगा उसके अंदर तीन बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरी जैकेट हमारी बन गई है, आप चाहें तो इसको अलग अलग ड्रेस के साथ पहना सकते हैं। और तो हम इसको लगा कर दिखाते हैं अभी आपको। तो देखिए पूरी ड्रेस तैयार हो गई, बहुत अच्छी लगती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत सुंदर लगती है। कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी भी प्रेस करें, तभी आपको और वीडियो मिलेंगी। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसका नाम ऑल फैशन टिप्स है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।